काम को लेकर, डिजाइन को लेकर, फैब्रिक को लेकर, कलर को लेकर, सारी चीजें कस्टमाइज प्रॉपर हैंडवर्क के साथ आएगा। डिफरेंट कली के साथ आएगा। एक कली में ये आपका एलिफेंट है, एक कली में आपका ये ताजमहल आएगा। हाय गाइज, माय नेम इज़ कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ चांदनी चौक मेरे साथ। सो जहाँ से मैंने ब्राइडल लहंगा लिया था ना, दे कॉल्ड मी कि आप आओ, प्लीज़ विजिट करो, थोड़ी हमारी कलेक्शन दिखाओ। एंड आई सेड व्हाई नॉट, बिकॉज जब मैंने पूरी अपनी ब्राइडल लहंगा की शॉपिंग करी थी, किसी ने अलाउ नहीं किया था चांदनी चौक में, बिकॉज ऐसे वो शूट करने देते नहीं है। सो मैं तरस गई थी कि मुझे अपने ऑडियंस को भी दिखाना है कि चांदनी चौक में कैसे लहंगे मिलते हैं। सो हियर आई एम, चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से एग्जिट लिया, और एग्जिट लेते हैं कभी स्ट्रेट मत जाना। ये मैं आपको पार्क का एक शॉर्टकट दिखा रही हूँ, राइट साइड में एक पार्क निकलता है, ये पार्क से एग्जिट होते ही एक गली स्ट्रेट निकलती है और आप लिटरली मेन रोड पे आ जाते हो, जहाँ पे सारी ब्राइडल लहंगा की शॉप है। ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है, अगर आप नए आए हो दिल्ली में तो ये सबसे परफेक्ट एक रास्ता है। इस गली से आप स्ट्रेट स्ट्रेट बाहर निकलोगे ना, तो आप सीधा चांदनी चौक की जो मेन रोड है वहाँ पर आ जाओगे। अगर आप प्रॉपर मेन गेट वाली एग्जिट ले लोगे ना चांदनी चौक की, तो आपको बहुत लंबा पीछे की तरफ आना पड़ेगा। सो यहाँ से आप जैसी एग्जिट लेते हो, ये ब्राइडल ज्वेलरी की एक शॉप आती है, और बाहर निकलते ही मेन रोड पर सामने राइट साइड पर आपको गेट दिख जाएगा। ये है नया कटरा, सो इसी गली में वो शॉप है, द नेम इज़ जीनत प्लाजा, जहाँ से मैंने अपना लिया था। सो ये नया कटरा गली है, जिसके अंदर आपको स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट जाती है आपको सामने बड़ा सा एक बोर्ड दिख जाएगा जीनत प्लाजा का। बाकी आप अंदर किसी ही पूछोगे तो आपको प्रॉपर रास्ता भी बता देंगे, बिकॉज बाहर बहुत सारे गाइड खड़े होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, काफ़ी ईजी रास्ता है, बिकॉज अदरवाइज बहुत सारे स्टोर्स हैं चांदनी चौक में जो अंदर अंदर जाके हैं, ये स्टिल काफ़ी ईजी टू गो है। मैं इतनी बार गई थी और मुझे कोई इशू नहीं हुआ। सो राइट स्ट्रेट जाते ही आपको यहाँ से लेफ्ट लेना है और हमारी ये शॉप आ जाएगी। स्टेयर्स चढ़ के ऊपर शॉप है, एंड हियर वी आर एट जीनत प्लाजा। मैंने अपनी शादी के टाइम बड़े चक्कर मारे यहाँ पे, बिकॉज मैंने पूरा स्क्रैच से बनवाया था। सो सबसे पहले जाके मैंने उनकी मेन मेन कलेक्शन देखी जो लगी हुई थी। अब इनकी नेक्स्ट सीजन की कलेक्शन आ चुकी है, सो बेसिकली अब जो नवंबर दिसंबर में शादी आने वाली है, ये लेटेस्ट कलेक्शन अब इनके पास आ चुकी है। और सबसे बेस्ट टाइम अभी लेने का, बिकॉज दो या तीन महीने का तो गैप आपको रखना ही चाहिए अपनी शादी से पहले, और अगर आप दिल्ली से बाहर के हो तो और जल्दी। सो मैंने इनके काफ़ी सारे लहंगाज देखे ऊपर। सो ये इनकी मारवार कलेक्शन का लहंगा है, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज, ये कारीगर की दुकान है, ये बेसिकली प्योर हैंडवर्क में बिलीव करते हैं। इनफैक्ट ये बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को ही सप्लाई करते हैं, इनके पास जो डिज़ाइंस बनते हैं ये आगे जाके सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज़ लाइक अ प्योर मारवाड़ सॉर्ट ऑफ लहंगा, जिसके ऊपर हैंडवर्क का काम है, दबके का, धोजी का, ये कोई भी मशीन वर्क वाला लहंगा नहीं है। मैंने कॉस्टिंग इस वीडियो में मैं नहीं शेयर कर रही एज सच, बिकॉज सबकी कॉस्टिंग अलग अलग होती है, तो मैं एक कॉस्ट आपको नहीं बता सकती। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शॉप का डिटेल्स दी हैं विद फोन नंबर एवरीथिंग, सो आप जाकर चेक कर सकते हो। इनफैक्ट आप इनको व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर डाला है, आप इस वीडियो का कोई भी स्क्रीनशॉट लेके इनको व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। मिशिका कुछ और करके मैंने नंबर भी डाला है, सो यू कैन आस्क देयर। अगर आपको किसी का भी एग्जैक्ट प्राइस पूछना है, आप प्लीज़ रीच आउट टू देम, वो आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। सो ऐसे वाले मैंने मारवार के इनके काफ़ी सारे लहंगे ट्राई किए। फिर मैं नीचे वाले फ्लोर पर आ गई, जहाँ पर मैंने और ब्लिंकी वाले लहंगे देखे। ये लिटरली आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, आप एजाज कुटोर में भी ऐसे लहंगे देखोगे, डिज़ाइनर कलेक्शन मनीष मल्होत्रा में ऐसे वाले लहंगे बहुत चलते हैं। ये एक्चुअल में वो क्रिस्टल सीक्वेंस का जो काम होता है, जो पास से भी ऑथेंटिक वर्क होता है ना, जो हाथ से किया जाता है, वो वाला काम है, ये बिल्कुल भी मशीन वाला काम नहीं है। अच्छा, मतलब स्पेसिफिक कलर्स भी बनाते हो या फिर कोई भी कलर बोलेंगे? अच्छा, इसमें अगर कोई डिजाइन कस्टमाइजेशन करनी हो वो जाएगा ना? आप कर सकते हैं कलर फैब्रिक अपने हिसाब से, कुछ भी कस्टमाइजेशन करा सकते हैं उसको। और टाइम कितना लगता है कस्टमाइजेशन का? मैम 60 डेज 60 डेज मिनिमम मिनिमम ठीक है। ये भी सेम वही सीक्वेंस का काम है? मैम सारा सीक्वेंस और पल के साथ आएगा। ये इस टाइम बहुत ट्रेंडिंग वर्क है, इस टाइम ये सबसे ज्यादा लोग यही पसंद करते हैं। ये कौन सा वर्क है? सारा जो है स्टोन सीक्वेंस पल के साथ काम आएगा, टोटली हैंडवर्क है ये,
इसमें आप कुछ भी कस्टमाइजेशन करा सकते हैं, काम को लेके, डिजाइन को लेके, फैब्रिक को लेके, कलर को लेके, सारी चीजें कस्टमाइज प्रॉपर हैंडवर्क के साथ आएगा। सीक्वेंस है, मिरर है, आपका पल का काम है, सारा मिक्स मैच काम है इसके अंदर, टोटली हैंडवर्क के साथ आएगी ये। ये देखिए मैम, ये प्रॉपर वेडिंग लहंगा आएगा आपका, मार्बल कलेक्शन का ये लहंगा। ये देखिए आप, डिफरेंट डिफरेंट कली के साथ आएगा। एक कली में ये आपका एलिफेंट है, एक कली में आपका ये ताजमहल आएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट कलियों के साथ आ जाएगा। इसका जो वर्क है सारा दरदोजी दबके के साथ आएगा, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर हैंडवर्क है ये। पूरा जाल का इसका दुपट्टा आएगा, सर का दुपट्टा इसका जाता है मैरून कलर का। ये देखिए, ये इसका मैरून दुपट्टा आएगा सर वाला, दुपट्टा ये मस्टर्ड है आपका। पूरा जाल का दुपट्टा हैवी लुक के साथ आएगा। ये आएगा आपको जॉर्जेट के ऊपर लहंगा है आपका, प्रॉपर हैंड दरदोजी के साथ काम आएगा ये आपका। ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है इसका, इसमें कुछ भी कस्टमाइज आप करा सकते हैं, और कलर वगैरह कुछ भी कस्टमाइज हो जाएगा आपके डिजाइन के साथ। सारा हैंडवर्क दरदोजी और जरी का काम आएगा ये। दिस लहंगा हैज़ माई हार्ट, मतलब पूरी कलेक्शन में मुझे ये वाला लहंगा बहुत सुंदर लगा। मतलब अगर मैं अब लेने जाऊँगी तो कुछ ऐसा ही लेने वाली हूँ, बिकॉज आई एम अ रेड पर्सन। सो इसमें काफ़ी अच्छे कलर्स हैं, बेसिकली रिम्पल हरप्रीत से इंस्पायर्ड है। अगर आपके पास कोई भी डिज़ाइनर लहंगे के भी इमेज है ना, जैसे मैंने आपको अपनी स्टोरी में बताया था मैंने ये रिम्पल हरप्रीत से इंस्पायर्ड लहंगा ही बनवाया है, तो आप वो इमेज भी इनको दिखा सकते हो। कोई सेलिब्रिटी अगर आपने देखा हो ऑनलाइन, कहीं पर भी आप इनको इमेज दिखाओ, ये आपको फ्रॉम स्क्रैच बना के देंगे, बिकॉज ये कारीगर की ही शॉप है। बेसिकली ऐसा नहीं है हमारे पास जो है खाली वही है, ये आपको प्रॉपर लहंगा बना के भी देंगे। इट जस्ट डैट उसमें टाइम लगता है। और फिर मैंने साड़ीज़ भी इनकी ट्राई करी, सो बेसिकली इनके पास ये वाली लेटेस्ट कलेक्शन की साड़ी आई हुई थी जो आजकल ये वाले वर्क में चल रही है। मेरा बहुत मन था ट्राई करने का, सो आई सेड व्हाई नॉट, ज़रा ड्रेप करा के देखते हैं। अच्छी हैवी थी, मतलब ये बिल्कुल भी हल्की साड़ी नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हो इस पर वर्क कितना प्यारा है, एंड इट इज़ ब्यूटिफुल। मतलब इतनी सुंदर, आई थिंक जो भी डिज़ाइनर एंड ऑल साड़ीज़ होती है ना जो लैक्स में मिलती है, ये उसको फेल कर रही है, बिकॉज इसका वर्क बहुत प्यारा है। अगेन हैंडवर्क का काम है जो पास से बहुत सुंदर लगता है, एंड द कलर इज ऑल्सो प्रिटी। सो अगर आप कुछ अपने रिसेप्शन एंड ऑल के लिए कुछ साड़ी बेस देख रहे हो तो आप वो भी ले सकते हो। द कलेक्शन इज प्रिटी प्रिटी गुड। इसके अलावा आप जो भी लहंगे डिजाइन आपके दिमाग में कुछ भी हो, एज आई सेड आप इनको दिखा सकते हो। मैंने भी स्क्रैच से बनाया था, और कोई कस्टमाइजेशन करानी हो आप वो भी करा सकते हो। यही मुझे बेस्ट बात लगी अबाउट चांदनी चौक, अगर आप बड़े बड़े डिजाइनर्स के पास जाओगे ना, वो कस्टमाइजेशन बिल्कुल नहीं करते। वो कहते हैं यही हमारा डिजाइन है, ये लेना है तो लो, बट दे कस्टमाइज रियली वेल। मैं आपको एक कली भी दिखाने वाली हूँ जो किसी के लिए बन रही है। ये कौन सा वर्क है? सारा दरदोजी के काम है, दबका दरदोजी के साथ आगे का है, फ्रेंच नॉट है। सो दिस वॉज माई क्विक टूर ऑन ज़ीनथ प्लाजा। डू लेट मी नो अगर आपको कुछ और चाहिए जो मैं एक्सप्लोर करूँ फ्रॉम चांदनी चौक। आई ट्राई माई बेस्ट, ज़्यादा कोई शूट अलाउ नहीं करता, इन्होंने अलाउ करी थी इसलिए मैंने शूट कर ली। इनकी डिटेल्स मैं सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप विजिट करना चाहते हो विजिट भी कर सकते हो। डू टेक माई नेम एज वेल, अगर आप मेरा रेफरेंस दोगे आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा, बिकॉज मैं स्पेसिफिकली बोल के आई हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स को एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलना चाहिए। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने नीचे डाल दिया, यू कैन कॉन्टैक्ट देम एज वेल फॉर एनी डिटेल्स। एंड या इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।